हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो लॉन्ग टाइम आई हैड नॉट पोस्टेड एनी वीडियो बिकॉज आई वाज सो बिजी, बट टुडे आई कम अप विद सच अ डिफरेंट टॉपिक एंड यूनिक टॉपिक व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल, इवन अ कॉलेज गर्ल, यूनिवर्सिटी गर्ल और अ हाउसवाइफ। सो टाइटल देखिए, आपको पता ही चल गया होगा कि द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ हाउ टू स्मेल क्लीन एंड फ्रेश इन समर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हम लोग कितनी भी अपनी स्किन केयर कर लें, बहुत ही अच्छा मेकअप ग्लो कर लें, लेकिन अगर हम अच्छा जो है वो स्मेल नहीं करेंगे, हमारे पास से अगर बैड ओडोर आएगी तो वो बहुत ही जो है वो एक रॉन्ग इमेज जो है वो क्रिएट करता है। काफ़ी लोगों की तो ये प्रायोरिटी भी होती है कि वो जो है फ्रेश फील करें और स्मेल अच्छी करें ताकि जो है उनकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट हो। सो एज वी ऑल नो के समर सीजन चल रहा है एंड देयर इज सो मच हीट एंड हॉट वेव्स, उसकी वजह से भी स्वेट सो मच, जिसकी वजह से भी स्मेल बैड। तो लकीली इट्स नॉट हार्ड टू यू नो इम्प्रूव योर स्मेल। यू कैन स्मेल फ्रेश विद सम टेक्निक्स एंड टिप्स। आई विल शेयर ऑल द टिप्स एंड टेक्निक्स दैट आई नो, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू सम हाउ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू नेवर मिस सच एन अमेजिंग वीडियोज एंड टू मोटिवेट मी। सो या लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर वन, वॉश द स्वेटेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स हैं जिनके पास, तो वो ज़्यादा स्वेट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनके उन जगहों पे ज़्यादा बैड ओडोर होती है। वो ज़्यादा बैड ओडोर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आर्म पिट्स हो गए, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स और फीट सोल्स। सो इन चीज़ों को जो है वो हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे हमें शावर लेना चाहिए, और हो सके तो दिन में आप 2 दफ़ा भी शावर ले सकते हैं, बिकॉज़ इतनी गर्मी है कि आप सुबह शावर ले तो रात में आपका वही हाल हो जाता है, तो आप दिन में 2 दफ़ा भी शावर ले सकते हैं। हाँ, ये है कि आप रोज़ शावर लेंगे तो रेगुलर बेसिस पे आप शैम्पू नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज़ इट डैमेजेस योर हेयर। जब जस्ट आपने जो है वो वाटर से शावर लेना है, अपनी बॉडी को अच्छे से जो है वो वॉश करना है, उन पार्ट्स को अच्छे से वॉश करना है जहाँ स्वेट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसको अच्छे से आप कोई सेंटेड शावर जेल से वॉश करें और स्क्रब करें अपनी बॉडी को ट्वाइस अ वीक। ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, स्क्रबिंग करनी है अपनी बॉडी पार्ट्स की और अच्छे से जो है वो इनको वॉश करना है रेगुलर बेसिस पे, सो दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस बैड ओडोर एंड यू स्मेल फ्रेश। सो नंबर टू इज़ वॉश योर हेयर एंड स्कैल्प प्रॉपरली। आपने अपने हेयर एंड स्कैल्प को अच्छे से जो है वो वॉश करना है। आपने डेली शावर लेना है, लेकिन आपने डेली जो है वो शैम्पू यूज़ नहीं करना। अगर आपके हेयर जो है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, और आप शैम्पू जो है वो ऑल्टरनेट डेज में यूज़ करेंगे। सो लेट्स कम टू पॉइंट नंबर थ्री, विच इज़ मॉइस्चराइज योर स्किन विद सेंटेड लोशन। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें लगता है कि सिर्फ हमें विंटर्स में ही जो है वो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए या लोशन लगाना चाहिए, लेकिन समर्स में भी हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए विद अ लोशन। या आपके पास से अच्छी खुशबू आए तो उसके लिए जो टेक्निक होती है वो ये होती है कि अगर आप सेंटेड जो है वो लोशन यूज़ करें तो वो आप अपनी डैम्प स्किन में लगाएं, मतलब थोड़ी गीली आपकी स्किन हो, फुल तरीके से आपने पानी जज्ब ना किया हो, हल्की सी डैम्प स्किन हो, गीली हो, उस पर आप जो है वो सेंटेड लोशन लगाएंगे। ये एक टेक्निक होती है लोशंस लगाने की, इट विल हेल्प द सेंट लास्ट लॉन्गर। सो कम टू पॉइंट नंबर फोर, विच इज एंटी पर्सपिरेंट डिओड्रेंट। कोई भी अच्छा सा डिओड्रेंट जो आपको सूट करता हो, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, वो आप ज़रूर यूज़ करें। ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है फॉर अ गर्ल्स, ये आप ज़रूर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि हमारे जो अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से कंपेयर करें, इसलिए वहाँ से ज़्यादा स्वेट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से बैड ओडोर क्रिएट होती है। तो इसलिए आप कोई सा भी डिओड्रेंट जो आपके लिए अफोर्डेबल हो वो यूज़ करें, या फिर क्रीम्स आती हैं, ये भी मेरे पास एक क्रीम है, ये भी प्राइवेट पार्ट्स के लिए है, ये भी 24 आवर्स तक जो है वो अपनी खुशबू रखती है और ये बहुत अच्छी है। तो जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो आप वो यूज़ करें, लेकिन ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, ये ज़रूर आप अपनी बॉडी केयर में ज़रूर ऐड करें। तो लेट्स कम टू पॉइंट नंबर फाइव, विच इज़ यूज़ बॉडी मिस्ट, कॉलोन एंड परफ्यूम। कोई भी परफ्यूम, कोई भी मिस्ट जो आपको पसंद हो, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, वो आप परचेस करें और इसको अपनी बॉडी केयर में ज़रूर ऐड करें टू स्मेल फ्रेश एंड क्लीन।
कोई भी परफ्यूम या कोई भी मिस्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप जो है टेक्निक से यूज़ करें, मतलब आप उनको पल्स पॉइंट में लगाएं, जैसे हमारे रिस्ट हो गई, नेक एरिया हो गया, बिहाइंड द ईयर एंड बिहाइंड द नीज़, ये वो जगह हैं जहाँ पर जो है ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो सेंट है ना वो ज़्यादा देर तक जो है वो लास्ट रहती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। तो ये टेक्निक्स है कुछ परफ्यूम लगाने की, ताकि आपके पास देर तक जो है वो सेंट आए। और आप इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जो फ्रेगनेंस हो वो कंसंट्रेटेड हो, इरिटेटेड ना हो, ताकि लोग इरिटेट ना हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। सो लेट्स कम टू अनदर पॉइंट, अप्लाई परफ्यूम टू योर हेयर ब्रश। जी हाँ, वैसे तो आपको पता है कि आजकल मार्केट में हेयर मिस्ट वगैरह भी आ गए हैं, जो कि डायरेक्टली आप अपने हेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं, या बहुत से लोग डायरेक्टली परफ्यूम या मिस्ट को अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इट डैमेजेस योर हेयर, इट डैमेज योर रूट्स। लेकिन अगर आप ब्रश पर जो है वो मिस्ट करेंगे और फिर ब्रश करेंगे अपने हेयर्स पे, तो वो थॉरली जो है वो आपके पूरे बालों में जो है एक सेंट क्रिएट कर देगा और आपके रूट्स को, आपके बालों को डैमेज भी नहीं करेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक टू गिव प्लीजिंग सेंट टू योर हेयर विदाउट डैमेजिंग। सो लेट्स कम टू अनदर पॉइंट, विच इज़ टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब जितना पानी आप पी सकते हैं आप पिए। वैसे तो मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर आपको पीने चाहिए। आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि डिहाइड्रेटेड बॉडी से भी जो है वो बैड ओडोर, बैड स्मेल की प्रोड्यूस होती है। तो जितना आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, जितनी हाइड्रेटेड आपकी बॉडी रहेगी तो उतनी फ्रेश फील करेगी। हाइड्रेशन ऑल्सो मैनेज द बैड ब्रेथ। सो या लेट्स कम टू अनदर पॉइंट, विच इज़ ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे और ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। आप कोई भी ऐसा मील खा रहे हो जो आपको पता है जिसकी वजह से जो है वो बैड ब्रेथ प्रोड्यूस होती है, जैसे कि अनियन हो गया, गार्लिक हो गया और कैफीन हो गई, या ऐसी जो भी चीज़ें जिनसे बैड ब्रेथ प्रोड्यूस होती है, आपको चाहिए कि उसको खाने के फौरन बाद जो है वो आप अपने टीथ को ब्रश कर लें या माउथ वॉश यूज़ कर लें, टू किल द बैक्टीरिया, टू किल द बैड स्मेल। सो या दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जितनी गंदी जो है वो बैड ब्रेथ होती है आपकी, उसकी वजह से बहुत ही कोई रॉन्ग इमेज क्रिएट होती है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स कम टू अनदर पॉइंट, विच इज़ ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जी हाँ, अपनी डाइट को आप बहुत अच्छा बना लें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़, फास्ट फूड वगैरह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिनकी वजह से बैड ब्रेथ प्रोड्यूस होती है, या जो स्टमक है वो डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी जो है वो बैड ओडोर क्रिएट करती है। तो ऐसी चीज़ें ना खाएं। जाहिर है बहुत जल्दी से आपकी इसकी आदत नहीं ख़त्म होगी, लेकिन इन चीज़ों की जो क्वान्टिटी है वो कम करते जाएँ। तो अपनी आप डाइट को जो है वो अच्छा और फ्रेश बनाएं। सो लेट्स कम टू अनदर पॉइंट, विच इज़ वियर लाइट ब्रीथेबल क्लोथ्स। मतलब आप ऐसे क्लोथ्स चूज़ करें समर्स में जो कि लाइट हो, ब्रीथेबल हो, सी थ्रू ना हो लेकिन लाइट मटेरियल के हो, ताकि जो है वो एयर फ्रेंडली हो, हवा पास हो जाए और आपको ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, जिसकी वजह से ज़्यादा पसीना ना आए, तो बैड ओडोर क्रिएट ना हो। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आई थिंक आई कवर ऑल द पॉइंट्स विच आई नो। अगर आपको भी कोई भी ऐसा पॉइंट पता है जो मैंने मिस कर दिया हो और आपको पता हो, जिसकी वजह से हम फ्रेश और क्लीन स्मेल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करें। आई होप यू लाइक द वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।